गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस बुक, पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वी हैव डन टू पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट लेसन। टुडे वी शैल डील विद थर्ड पार्ट। सो लेट अस बिगिन। द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस दैट वी बिगिन this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War. The Cold War also led to several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. The two superpowers were poised for direct confrontations in Korea 1950 to 1953, Berlin 1958 to 62, the Congo the early 1960s, and in several other places. Crises depend as neither of the parties involved was willing to back down. When we talk about annals of the Cold War, we refer therefore two areas where crises of war occurred or threatened to occur between the alliance systems, but did not cross certain limits. A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam, Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. In some cases, huge military buildups were reported. In many cases, diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstandings. Arenas of the Cold War. शीत युद्ध है, कोल्ड वार है, उसकी लिमिट्स क्या रही, उसके दायरे क्या थे। द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस दैट बिगिन दिस चैप्टर विद वॉज ओनली वन सेवन क्राइसिस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार। शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे संकट सामने आए थे। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, वह इसमें से एक था। द कोल्ड वार ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वार्स। इस शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे शूटिंग वार्स हुए, रक्त रंजित लड़ाइयाँ हुई, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस क्राइसिस एंड वार्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वार। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, ध्यान देने वाली बात है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति या रिजल्ट है जो वो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुआ। यहाँ पे दो महाशक्तियाँ कोरिया, बर्लिन और कॉन्गो और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ में आ चुकी थी। जैसे वो कोरिया में 1950 से 1953 के बीच जो समय है, बर्लिन में 1958 से 1962, कांगो में 1960 के दशक की शुरुआत से ही सीधे सीधे अमेरिका और सोवियत संघ रूस आपस में मुठभेड़ की स्थिति में आ चुके थे। एज नाइदर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड वाज विलिंग, तो इसमें संकट गहराता गया, दिक्कतें बढ़ती गई, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक देश पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा मतलब ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां आपस में दो विरोधी गुट हैं, उनमें बटे देशों के बीच में भी संकट आया, संकट के अवसर बने, युद्ध हुए
या इनके होने की संभावना बनी हो, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ व्यापक जनहानि हुई, लोग मारे गए, लेकिन विश्व युद्ध नहीं हुआ। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ और परमाणु युद्ध से पूरी दुनिया बची रही, क्योंकि ये विश्वव्यापी इसका प्रभाव नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच में, दोनों देशों के बीच में राजनीतिक बातचीत या राजनीतिक संवाद भी नहीं रह पाए, आपस में नेता बात नहीं कर पाए, अपनी समस्याओं को आपस में बैठ के सुलझा नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे समय बने, क्योंकि बात करने से दोनों देशों के बीच में अगर गलतफहमी है तो कम से कम दूर हो जाती है, लेकिन ऐसा इनको कोई अवसर नहीं बना मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाने का। सम कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल द नॉन अलाइंड कंट्रीज, प्लेड ए रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट्स एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस। जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नाम प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मेडिटेटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। कई ऐसे मौके भी आए जब शीत युद्ध के संघर्ष हुए और इन संघर्षों के दौरान कुछ गहन संकट हैं उनको टालने के लिए भी जो दोनों गुटे से बाहर के देश थे, गुटनिरपेक्ष देश, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा क्रूशियल रोल है वो प्ले किया, कारगर भूमिका निभाई। इस संबंध में देखें तो गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे उनमें से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री हमारे वो थे उस समय। नेहरू जी ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाई, मध्यस्थता की, उनके बीच में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई और कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में वो वहाँ पे रहे। इन द कांगो क्राइसिस यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे, प्लेड अ की मैंडेटरी रोल। बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन ए सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर वॉज बाय मीन्स शुड बी अवॉइडेड that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. As the Cold War rolled from arena to another, the logic of restraint was increasing evident. यह बात एक और उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने यह बात समझ ली थी कि अगर युद्ध को किया तो विनाश बहुत संभव है, बहुत ज़्यादा विनाश संभव है वहाँ पे, तो दोनों को हर हालत में युद्ध है वो चो टालना जरूरी है। ये बात दोनों के मन में आ गई थी। इस समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता एक दूसरे प्रति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। कोल्ड वार के अक्षेत्र में एक अक्षेत्र से, यानी शीत युद्ध के एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र की तरफ सरकता गया और संयम का तर्क है काम करता रहा। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. Higher stocks of arms was considered necessary to prevent wars from taking place. हालांकि जो शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्वता वो समाप्त नहीं हो पाई, इसी कारण एक दूसरे के प्रति जो शंका की, सस्पिशन की दृष्टि थी, दोनों गुटों ने भरपूर उसके चलते अपने पास हथियार जमा कर लिए, लगातार युद्ध की तैयारियां भी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे का मतलब ये था कि युद्ध से बचे रहने के लिए
जरूरी है, ऐसा माना गया था। द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वार माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट। आइदर साइड माइट miscalculate the number of weapons in the possession of the other side, they might misunderstand the intentions of the other side. Besides, what if there was a nuclear accident? What would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war? What if an accident occurred with a nuclear weapon? How would the leaders of the country know it was an accident and not an act of sabotage by the enemy, or that a missile had not landed from the other side? तो यहाँ पे बड़ी द्विधापूर्ण स्थिति बनी रही थी। दोनों देश लगातार एक बात को समझ रहे थे कि उनके संयम रखने के बावजूद भी युद्ध है, हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अलावा सवाल ये भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो उसका क्या होगा। अगर कोई गलती से परमाणु हथियार चल जाए या कोई एक सैनिक है शरारत करते हुए शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि महज एक इत्तफाक और एक दुर्घटना की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे ये कार्टून दिए गए हैं, drawn by well-known Indian cartoonist Kuti. These two cartoons depict an Indian view of the World War. The first cartoon was drawn when the US entered into a secret understanding with China, keeping the USSR in the dark. Find out more about the characters in the cartoon. In the cartoon, the second cartoon depicts the American adventure in Vietnam. Find out more about the Vietnam War. तो यहाँ पे दो कार्टून दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए दोनों कार्टूनों को ध्यान से। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए हैं। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य में अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप जो दोस्ती कर ली। ये यहाँ पे बैठे हैं, यूएसएसआर ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अपने पास बिठा रखा बेंच पर, और यहाँ पर ये चाइना छिपा हुआ बैठा है। तो अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों उनके करैक्टरों के बारे में जानकारी आपको पता करनी है। दूसरे कार्टून में जो वियतनाम में अमेरिकी दुसाहस को चित्रित किया गया है, वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटाएगी।